चलिए, तो ये जो डाइक का मीनिंग क्या होता है कि डाई अप, मतलब डी आई जो है लिया गया है डायोड से, और एसी जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो डायक जो है वो है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो डायोड है, एक सिंगल डायोड हम जानते हैं कि वो क्या होता है, डीसी पे वर्क करता है, और मतलब क्या कहना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में वो कंडक्ट करता है। बट ये जो डायक है आपका, वो बाय डायरेक्शन है। क्या है वो? बाय डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शंस में क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, ठीक। इसमें इसका जो सिंबल देख रहे हो आप, इसका जो सिंबल है उसमें दो डायोड हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट कनेक्टेड है, क्लियर। हाँ, अब इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक। इसके बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन लेयर है, पी एन पी मेनली, जो पी वन है, एन टू है, पी टू है। पी वन एन टू पी टू, तीन लेयर है, ठीक है। इसमें जो पी वन लेयर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, एन टाइप के मटेरियल को डिफ्यूज किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? डिफ्यूज किए हैं, ठीक है। ठीक वैसी पी टू मटेरियल में हमने एन थ्री, एन थ्री क्या है, ये पी टाइप और एन टाइप ही है, लेकिन नंबर जो दिए हैं अपन अलग अलग सेग्रीगेट करने के लिए, एक को एन वन नाम दिए हैं तो एक दूसरे को क्या दिए हैं, एन थ्री नाम दिए हैं, क्लियर। हाँ, इसके ऊपर एक रेड कलर की लाइन जो देख रहे हो आप, जिसमें से टर्मिनल निकला है, वो एक्चुअली क्या है, वो दोनों के कांटेक्ट बना के रखा है, मेटालिक प्लेट है वो, ठीक है, जो कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल दोनों से कांटेक्ट में है। इज इट क्लियर? हाँ, तो एम्प्टी फॉर मैन, हाँ, जैसे पी टू और एन थ्री पे जो है आप देख रहे हो, हाँ, ये एक मेटालिक प्लेट है जो कि कंडक्ट कर रहा है पी टू और एन थ्री को, सिमिलरली एन वन और पी वन को, दोनों के साथ क्या है वो कांटेक्ट में, ठीक है। और इस डायक को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, गेटलेस ट्रैक, ठीक है। अब हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसमें आप लोग देखोगे कि ये जो एन वन है, एन थ्री है, ये एक्चुअली डिफ्यूज कराया गया है। इसमें डायोड के जो है ना, दोनों के फंक्शन को अपन अलग अलग एक्सप्लेन समझेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू कनेक्ट, मतलब सप्लाई जो रहेगा आपका अल्टरनेटिंग रहेगा, ठीक है। अब ये अल्टरनेटिंग रहेगा तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट हाफ, फर्स्ट केस में क्या होगा, पहला हाफ साइकिल लेंगे, और सेकंड केस में अपन दूसरा हाफ साइकिल लेंगे। तो पोलैरिटी जो है होगा, केस वन में हम क्या ले रहे हैं, जो फर्स्ट टर्मिनल है, जिसको आप कुछ बुक्स में क्या है, एम टी वन करके भी दिया रहता है, हाँ, और कुछ में वन टू नंबरिंग की हुई रहती है, तो उससे कोई फर्क अपने को नहीं पड़ना, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट केस है उसमें हम क्या ले रहे हैं, एम टी वन को, जो फर्स्ट टर्मिनल है उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और एम टी टू जो सेकेंड टर्मिनल है उसको अपन क्या ले रहे हैं, नेगेटिव पोलैरिटी में ले रहे हैं। मतलब हम इसको जो फोर्स सप्लाई देंगे ना अपन, तो वो क्या रहेगा, एम टी वन पॉजिटिव रहेगा और एम टी टू नेगेटिव रहेगा, क्लियर। अब जो हमारा केस वन देखना, वहां सिंबॉल के राइट साइड में केस वन लिखा हुआ है, उस केस वन में देखना कि आपका जब एम टी वन पॉजिटिव रहेगा तो जो एन वन है, एन टाइप मटेरियल है, चूंकि अपन फॉरवर्ड बायसिंग दे रहे हैं, तो एन टाइप मटेरियल क्या हो जाएगा, एन वन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, क्लियर। और एन थ्री जो है वो एक्टिव मोड में हो जाएगा। एन थ्री, एन वन इनएक्टिव रहेगा और एन थ्री क्या होगा, एक्टिव मोड में होगा, क्लियर। हाँ, तो अब इस फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए तो हमारा देखना, जो बेसिक स्ट्रक्चर में एन वन है ना, वो एन वन को छोड़ के अपन क्या क्या लेंगे, पी वन फर्स्ट लेयर रहेगा, एन टू सेकेंड लेयर रहेगा, फिर पी टू रहेगा, देन अगेन एन थ्री रहेगा, दिख रहा है आप लोग को। हाँ, तो अब पी वन और एन टू के बीच में हम देखेंगे कि ये फॉरवर्ड बायस में है, और एन टू और पी टू के बीच में देखेंगे कि ये कौन से बायस में है, रिवर्स बायस में,
देन अगेन पी टू और एन थ्री के बीच में ये फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। तो हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि जो रिवर्स बायस्ड है वहीं पे एक डिप्लीशन लेयर होगा, और ये डिप्लीशन लेयर की वजह से क्या होगा, वो ब्लॉकिंग मोड में होगा, क्या होगा वो ब्लॉकिंग मोड में होगा, ठीक। लेकिन चूंकि जो पी टू है आपका, पी टू दिख रहा है आपको, पी टू में मेजोरिटी ऑफ कैरियर्स क्या है, होल्स हैं, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। तो चूंकि पी टू में जो होल्स हैं वो एन थ्री की ओर जाएंगे, और जो पी टू में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एन टू की ओर जाएंगे, क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकते, क्लियर है। हाँ, तो अब क्या होगा, जो पी टू में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन टू की तरफ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है पी टू में, वो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, तो इसके वजह से एक लीकेज करंट फ्लो होगा, और वो क्यों होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम पी टू टू एन टू, क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पी टू टू एन टू जा रहे हैं, तो एक करंट सेटअप होगा, वो कैसा होगा, पी वन एन टू पी टू एन थ्री इस डायरेक्शन में होगा, जो कि रेड लाइन से मैंने करंट का दिखाया आपको, करंट फ्लो का डायरेक्शन, क्लियर है। तो वो पी वन लेयर से फिर पी एन टू में, एन टू से फिर पी टू में, फिर पी टू से एन थ्री से, क्लियर। करंट कुछ इस तरीके से पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा, पॉजिटिव एम टी वन से एम टी टू करंट फ्लो होगा, क्लियर है। हाँ, अब बात ये आती है कि सर इसमें जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स पी टू में जो हैं वो बहुत ही कम मूवमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है ऊपर में, हाँ, तो उसमें देखना कि ये जो लीकेज करंट है बहुत ही कम होती है, इसकी वैल्यू, इसकी वजह से एक छोटी सी कम अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, बहुत ही कम है ना, तो ये इट इज बिकॉज ऑफ द लीकेज करंट, ठीक है। और ये लीकेज करंट क्यों फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं एन टू की ओर, ठीक है। अब चूंकि हाँ, कोई डाउट, हेलो, अब क्या होगा कि हम जो है इसको एम टी वन को पॉजिटिव दे रहे हैं टर्मिनल पे सप्लाई, और एम टी टू को नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव दे रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, अपन सप्लाई दे रहे हैं, है ना। तो जब अपन सप्लाई देंगे तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। अब ये वोल्टेज बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, जो आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वोल्टेज इज नथिंग बट दी ईएमएफ, है ना। तो उस इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये और ज्यादा तेजी से जाएंगे पी टू से एन टू की ओर। हाँ, अब क्या होगा, जो आपका डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर में क्या होता है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स उस डिप्लीशन लेयर के चारों के दोनों तरफ होते हैं थ्रू बॉन्ड्स बना के, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोलाइड करती हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और उनके जो बॉन्ड्स बने हुए हैं उनको तोड़ देती है, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या है ना, फ्री कर देता है, ठीक। बात समझ में आ रही है, ये जो डिप्लीशन लेयर आप लोग देख रहे हो ना रेड कलर की जो लाइन है, तो उसमें क्या होता है, आपका इस डिप्लीशन लेयर के दोनों तरफ एक साइड आपके क्या रहेंगे, होल्स रहेंगे, है ना, और एक साइड क्या रहेंगे आपके, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पी टू में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आके इस डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना के हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं सब, है ना, उन बॉन्ड्स के ऊपर जब वो स्ट्राइक करती हैं, इंसिडेंट करती हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्डिंग में हैं वो टूटेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन्स
टुवार्ड्स M1 जाएंगे। अब इनके फ्लो बढ़ जाने की वजह से, इनकी वेलोसिटी बढ़ जाने की वजह से वो जो डिप्लीशन लेयर है उसका ब्रेकडाउन होगा इसी तरीके से, है ना। जब ये ब्रेकडाउन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल रिलीज हो जाएंगी और वो M1 की ओर जाएंगी, तो एक करंट सेटअप होगा जो कि P1, N2, P2, N3 के डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर, समझ में आया? डायरेक्शन P2 N2 रेड कलर में देखो, रेड P1 कलर में N2 एरो है, P1 N2 P2 N3। क्लियर है। और यहाँ पे हमने ये जो P1 में जो N1 है उसको नहीं लिए क्योंकि वो इनएक्टिव मोड में आ जाएगा। क्लियर है। हाँ, ये था आपका फर्स्ट केस। अब इसी तरीके से आपका एक सेकंड केस भी डेवलप होगा, बिल्डअप होगा, जिसमें MT2 क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा और MT1 क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव। अब क्या करेंगे, जब MT2 आपका पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, N3 एक्टिव मोड में आ जाएगा और सॉरी सॉरी N3 इनएक्टिव हो जाएगा और N1 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो एक्टिव में आ जाएगा। क्लियर है। पहले वाले जो केस में था, जो इनएक्टिव था वो एक्टिव हो जाएगा और जो एक्टिव था वो इनएक्टिव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, केस 2। क्लियर। अब जब MT2 पॉजिटिव होगा, है ना, और MT1 क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव होगा, तो N3 जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा और N1 जो है वो एक्टिव मोड में आ जाएगा। एक्टिव वो मोड में है तो अब वो क्या है, ऑपरेशनल में आ जाएगा। एक्टिव से मतलब है ऑपरेशनल। अब क्या होगा, सिमिलरली जैसा कि हमारा P2 में हो रहा था वैसे अब क्या होगा, P1 में कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब वो मूव करेंगी टुवार्ड्स N2, टुवार्ड्स N2 मूव करेंगी, तो उसके वजह से एक लीकेज करंट सेटअप होगा। इसी वजह से आप अपना VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, जिसमें कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक लो वैल्यू ऑफ करंट, एक लीकेज करंट डेवलप हो रहा है ना। अब चूंकि रिवर्स बायस्ड के केस में जो जंक्शन J2 आपका रिवर्स बायस्ड है, वहां पे फिर से डिप्लीशन लेयर है, सेम वही प्रोसेस होगा। अब मैं क्या करूंगा, वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, VBO की वैल्यू, और इसकी वैल्यू जो है बिटवीन 30 to 50 वोल्ट एग्जिस्ट करती है VBO, ठीक है। फॉर डायग के लिए जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है आपका वो प्लस माइनस 30 to 50 वोल्ट एग्जिस्ट करती है। क्लियर। तो अब क्या होगा आपका, कि जब मैं ये वोल्टेज में निगेटिव VBO माइनस VBO की वैल्यू को मैं कंटिन्यूअसली बढ़ाता जाऊंगा, तो एक लेवल आएगा, एक पॉइंट आएगा, जब क्या होगा, आपका जो डिप्लीशन लेयर है उसमें ब्रेकडाउन होगा, एज हैपेंड इन द केस 1, सेम होगा वैसी। अब उसमें से भी क्या होगा, एक एवलांची करंट फ्लो होगा, देर विल बी एक एवलांची ब्रेकडाउन, है ना। अब उसमें से जो करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स N1 से P1 जाएंगे, फिर जब P1 से आपके N2, N2 से फिर P2, हेंस करंट कहाँ से फ्लो होगा, P2 से N2, N2 से P1 और P1 से N1। क्लियर है। इसमें जो रेड कलर का जो मार्क देख रहे हो एरो, है ना, ये आपका डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है। निकालिए, तो ये जो डायक का मीनिंग क्या होता है, कि डाई